कर्ज में डूबे एक ठेकेदार ने लेनदारों की प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या। संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सतना जिले के ककलपुर झिन्ना झिरिया के रहने वाले 35 वर्षीय राम आश्रय कुशवाहा चौराहटा स्थित एक बोरी फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था। पिछले कुछ दिनों पहले अंशुल नाम के व्यक्ति से 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद उसने ब्याज जोड़कर 4.5 लाख रुपए बना दिए और पैसे के लिए राम आश्रय को प्रताड़ित करने लगा और 30,000 की जगह 4.5 लाख रुपए की मांग करने लगा, जिसकी प्रताड़ना से बचने के लिए सतना के कमलाकर पांडे, जो कि सतना जिला बदर का आरोपी है, उससे 2 लाख रुपए उधार लिए और अंशुल को दे दिए। पर उन्हें क्या पता था, जिस कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए वो उधार ले रहे हैं, वही उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। उन्हें उधार लेकर एक कर्जदार का तो कर्ज चुका दिया, लेकिन जिस कमलाकर से उन्होंने पैसा लिया था, वही अब अपना पैसा लेने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने लगा और पैसा ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे तंग आकर राम आश्रय कुशवाहा ने चौराहटा बोरी फैक्ट्री के सामने अज्ञात जहर का सेवन कर लिया, जिसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अरे यही पैसे वाले बहुत परेशान करते थे, कमलाकर तो सबसे ज्यादा परेशान करते थे। कल कितने बजे कहाँ जहर खाया था? कंपनी के गेट के पास था। कितना पैसा? 4.5 लाख रुपए मांग रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, बोलता था पैसा ना दोगे सबको जान से मार डालेंगे, बहुत डरते थे, वो गुंडा है। कितना पैसा लिया था उनसे? 4.5 लाख और दे भी दिए, 2 लाख दे चुके हैं। छड़ और गिरा था घर में, सब उठा ले गया। छड़ कब उठा ले गया है? 10 दिन हो गए। कल बैठ बुला के भी ले गया था कमलाकर, 3 बजे उनको बुला के भी ले गया था कल कमलाकर। हाँ ले गया था 3 बजे दिन को, अपनी गाड़ी में बैठा के। थोड़ा कितने बजे था भाई? 6 बजे। जबरदस्ती इन लोगों को चढ़ा ली।